अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना स्टैटिक्स से है, द हाइट्स ऑफ प्लांट्स इन दीप्तिस गार्डन आर रिकॉर्डेड इन अ टेबल गिवन बिलो। इसमें देखिए जो हाइट्स ऑफ प्लांट्स हैं ना वो रिकॉर्डेड हैं जो कि दीप्ति के गार्डन से हैं। द मीडियन प्लांट हाइट इज 55 सेंटीमीटर। इसमें मीडियन का वैल्यू भी दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो हाइट ऑफ प्लांट्स इन सेंटीमीटर दिया है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है 2x, 4, 4x, 8 और 4। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें x के वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे मीडियन हमको दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर, ये मीडियन का फार्मूला है। अब देखिए जो 55 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मीडियन क्लास क्या होगा, यहाँ पे 40 और 60 के बीच में 55 आ रहा है तो ये मीडियन क्लास होगा। और बाकी वैल्यू देखिए लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यहाँ पे होगा 40, क्योंकि ये 40 जो है ना लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। और यहाँ पे एन बाई टू, यहाँ पे एन कितना है, यहाँ पे एन जो है ना वो 6x प्लस 16 बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो एन है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे एन बाई टू हमको 3x प्लस 8 मिल गया। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास है सी एफ, वो यहाँ पे देखिए क्या है, 2x प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो है यहाँ पे 4x है तो ये 4x हो जाएगा। और जो एच है, एच का वैल्यू होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माने 20 माइनस 0 इक्वल टू 20। तो देखिए सारे वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गए। अब इसको पुट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 55 इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 40 प्लस एन बाई टू, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है 3x प्लस 8 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, तो 2x माइनस 4 हो जाएगा ये। सो दोनों में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे 4x है, और इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा एच जो कि 20 है। अब ये 40 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 55 माइनस 40 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3x माइनस 2x x हो गया प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4x इंटू 20। तो 55 माइनस 40 कितना हो गया, 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 5x प्लस 20। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 15x माइनस 5x इक्वल टू 20, तो 10x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 अपन 10 इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोगों को, ये मिलेगा 2। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2।